Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of nuclear physics. And in this video, we are going to discuss one of the most important topic of MSc, that is Fermi theory of beta decay. Topic is Fermi theory of beta डीके. तो ये आपका एमएससी का सिलेबस जो है टॉपिक है, बीएससी में ये नहीं है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. आपका 16 मार्क्स में आता है, ठीक है, और इसी में से ही 4 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, ठीक है. देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था पाउली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, जिसको किसने दिया, पाउली ने दिया. तो ये जो आपके साइंटिस्ट है, क्या, फर्मी, इन्होंने जो है इसके जो पाउली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस था, इन्होंने इसको सीरियसली लिया, ठीक है, कंसीडर किया और फिर इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको क्या नाम दे दिया गया, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, ठीक है. तो इन्होंने पहले, आप बोल सकते हो कहाँ से डिराइव हुआ है, कहीं ना कहीं से इनको आइडिया आया, कहाँ से, पाउली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस से, ठीक है. फर्मी ने कहा क्या, इन्होंने पोस्टुलेट किया, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पोस्टुलेट किया, इन्होंने कहा कि जो, जैसे आप क्या कहते हो, बीटा डीके है ना, तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूट्रिनो है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि बीटा डीके के जो प्रोसेस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है और जो आप कहते हो न्यूट्रिनो, वो कहता है क्रिएट होता है जब बीटा डीके होता है, तभी जब आपका बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है उसी टाइम पे क्या होते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन और आपका न्यूट्रिनो बनते हैं, उसी टाइम पे वो क्रिएट होते हैं. सेम वैसे ही जैसे कि आपका फोटोन क्रिएट होता है जब भी कोई एटॉमिक या न्यूक्लियर डीएक्साइटेशन होती है. तो ये इन्होंने क्या दिया, पोस्टुलेट दिया, क्या, कि बीटा डीके के दौरान या बीटा पार्टिकल का जो एमिशन है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो है वो उसी टाइम पे बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपका फोटोन बनता है जब कोई भी न्यूक्लियर डीएक्साइटेशन या एटॉमिक रिएक्शन होती है, डीएक्साइटेशन प्रोसेस होती है, ठीक है. तो ये इन्होंने क्या दिया था, पोस्टुलेट दिया, ठीक है. तो वो लिखेंगे क्या पहले, उसके बाद हम करेंगे इसको कंप्लीट, क्या, फर्मी दो वीडियोज में होंगी कम से कम. पोस्टुलेटेड, क्या पोस्टुलेट किया, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो वो क्या होते हैं, आर क्रिएटेड, वो क्रिएट होते हैं कब, एट द टाइम ऑफ बीटा पार्टिकल एमिशन, ठीक है. किस तरीके से, दिस इज सिमिलर, ये सेम वैसे ही है, दिस इज सिमिलर टू द सिचुएशन, टू द सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन, दैट वेयर ए फोटोन, या बोल सकते हो वेयर ए फोटोन इज क्रिएटेड, फोटोन इज क्रिएटेड कब, एट द टाइम ऑफ आपका एटोमिक और न्यूक्लियर डीएक्साइटेशन, और न्यूक्लियर डी एक्साइटेशन, ठीक है. तो ये इन्होंने क्या दिया, एक पोस्टुलेट दिया, क्या, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूट्रिनो है वो पहले से नहीं बनते, जब आपका बीटा माइनस पार्टिकल एमिट होता है या बीटा एमिशन होता है उसी टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो क्या होते हैं, बनते हैं. सेम वैसे ही जैसे कि फोटोन क्रिएट होता है जब भी कोई आपकी न्यूक्लियर डीएक्साइटेशन प्रोसेस होती है, ठीक है. अगली बात समझ में, तो जो पहली जो आपकी इसकी अजम्पशन थी, जो स्टार्टिंग अजम्पशन थी फर्मी थ्योरी शुरू करने की बीटा डीके की, तो इन्होंने अजम्पशन मानी थी क्या, कि जो इंटरेक्शन है ना रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, बीटा डीके के लिए, वो क्या है, बहुत ही वीक है ना. इन्होंने कुछ अजम्पशन मान के थ्योरी की शुरुआत की, वो अजम्पशन क्या मानी, इन्होंने कहा कि जो आपकी जो इंटरेक्शन है बीटा डीके में वो इंटरेक्शन क्या है, बहुत ही वीक है. तो हम क्लासिकली तो चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे नहीं, बात आएगी क्वांटम की भी, और क्वांटम में भी जब वीक इंटरेक्शन की बात हम कर रहे हैं तो हम कहां किसका यूज करेंगे, कहीं ना कहीं हम पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे, ठीक है. तो इन्होंने जो पर्टर्बेशन थ्योरी में भी हमने क्या पढ़ा था, फर्मी गोल्डन रूल पढ़ा था, है ना, मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को, क्या, फर्मी गोल्डन रूल. तो इन्होंने उसका रिजल्ट उठाया, क्या किया, फर्मी गोल्डन रूल का रिजल्ट उठाया, ठीक है, या बोल सकते वही इन्होंने क्या मानी, अजम्पशन मानी, ठीक है. तो सबसे पहली बात वही है, इन्होंने क्या कहा कि जो है फर्मी थ्योरी में जो बीटा डीके जो है उसमें क्या अजम्पशन मान के चलेगी, जो इंटरेक्शन है वो क्या है, वीक है, इंटरेक्शन वीक है तो हम पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है. तो इन्होंने दो स्टेट्स ली कि मान लो कि जो आपकी प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है, ट्रांजिशन जो हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, दो स्टेट, क्योंकि भाई आपने कहा था क्या होता है, दो डेफिनेट एनर्जी लेवल्स के बीच में तो ट्रांजिशन होती है बीटा डीके में. तो इन्होंने कहा मान लो दो स्टेट है, एक आपकी इनिशियल स्टेट है और
और एक फाइनल स्टेट है, ठीक है। और जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है, हैमिल्टोनियन रेस्पॉन्सिबल है डीके के लिए, क्योंकि हैमिल्टोनियन क्या होती है, एनर्जी है ना। तो बीटा डीके के लिए अगर हमें इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन लिखना हो किसकी फॉर्म में, गोल्डन रूल, तो हम क्या लिखेंगे, गोल्डन रूल की हेल्प से लिखेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वही रिजल्ट, यहाँ पे आपका डेरिवेशन नहीं है फर्मी गोल्डन रूल का, आप पहले कर चुके हो, वहीं से हम क्या करेंगे डायरेक्ट रिजल्ट को उठाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, क्या इन्होंने क्या कहा, द स्टार्टिंग पॉइंट किसका, ऑफ फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके इज द अजम्पशन, क्या था अजम्पशन, दैट द इंटरेक्शन जो इंटरेक्शन है रेस्पॉन्सिबल फॉर, दैट द इंटरेक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, बीटा डीके प्रोसेस इज वीक, वो क्या है, वीक है, सो दैट, ताकि क्या हो, द पर्टर्बेशन थ्योरी किसकी, ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कैन बी यूज्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो इन्होंने क्या कहा, लेट द ट्रांजिशन रेट बिटवीन किस किस के बीच में है, इनिशियल स्टेट क्या आई एंड फाइनल स्टेट एफ, एंड फाइनल स्टेट क्या है आपकी एफ, ठीक है, वो किसकी वजह से आई है, ब्रॉट ड्यू टू अबाउट द हैमिल्टोनियन, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर डीके। तो अब क्या यूज करेंगे हम, इंटरेक्शन एनर्जी दैट इज GW, दैट इज फाइनल टू इनिशियल, है ना, वो क्या होती है आपकी, ये आपने पढ़ा था फर्मी गोल्डन रूल, दैट इज 2π/h², ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, फाइनल स्टेट, यहाँ पे आपका हैमिल्टोनियन, इनिशियल स्टेट, ये ब्राउर कैट नोटेशन, इसके मैग्नीट्यूड का क्या होता था, स्क्वेयर होता था, और यहाँ पे रो ऑफ ई, ठीक है, ये क्या था, ये क्या बोलते थे इसको, फर्मी गोल्डन रूल, ये क्या था आपका, फर्मी गोल्डन रूल, इसका डेरिवेशन क्वांटम में है, यहाँ हमें सिर्फ रिजल्ट यूज करना है, ठीक है, ये क्या है, फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट, हैमिल्टोनियन, और ये रो ई क्या है आपकी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, फैक्टर जो रो ई है उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट फैक्टर, या एनर्जी डेंसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है, वेयर रो ई इज द क्या है, इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट फैक्टर। तो हमारा जो काम रहेगा फर्मी थ्योरी में, थ्योरी ऑफ बीटा डीके में, उसमें हमारा काम कहीं ना कहीं क्या रहेगा, इस रो ई को फाइंड आउट करना ही रहेगा, ठीक है। और ये जो रो ई होता था, ये क्या देती थी, ये आपकी रो ई गिव्स, क्या गिव देती थी, द नंबर ऑफ अवेलेबल फाइनल स्टेट पर एनर्जी, ठीक है, फाइनल स्टेट या पर एनर्जी, ठीक है, वो कैसे, रो ई की बराबर किसके बराबर होता था, dN/dE, यही होता था ना, रो ई इज इक्वल टू dN/dt, ये इक्वेशन नंबर वन, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, ठीक है, ई क्या है, उसकी टोटल एनर्जी, ठीक है। अब हमारा काम कहीं ना कहीं क्या काम है, हमने कहीं ना कहीं से क्या निकालना है, इस रो ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारा जो मेन काम है वो काम क्या है, हमें क्या करना है, रो ई को फाइंड आउट करना है। देखो इसको क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट बोल देते हैं, ठीक है। हमारा काम क्या है, हम क्या निकालें, इस रो ई की वैल्यू को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हमारा मेन काम यही है, क्या, कंप्यूटेशन ऑफ रो ई, कि हमें कहीं ना किसी तरीके से इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अब सिस्टम कैसा है, देखो यहाँ पे आपने पीछे पढ़ा होगा फेज स्पेस क्या होता है ना, तो देखो एक होता है आपका जो है स्टैटिक सिस्टम, जो रेस्ट भी होता है, और एक होता है डायनेमिक सिस्टम। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो डायनेमिक सिस्टम की बात हो रही है, और डायनेमिक सिस्टम में जब भी हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, फेज स्पेस। और फेज स्पेस क्या होता है आपका, फेज जो ग्राफ होता है वो होता है आपका मोमेंटम पी के बीच में और पोजिशन एक्स के बीच में, यहाँ पी एक्स हो सकता है या एक्स, ठीक है। तो अगर हमें रो ई निकालना है तो हम एक वन डायमेंशनल सिस्टम लेंगे, वन डायमेंशनल केस लेंगे, जिसमें एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, जिसका मोमेंटम क्या है, पी एक्स है, ठीक है। तो अगर हम मान लो जैसे एक ऐसा ये बॉक्स सा बना ले फेज स्पेस में, ठीक है,
एक बात समझ में, इधर क्या है आपका मोमेंटम पी है और इधर क्या है आपकी पोजिशन एक्स है, ठीक है। तो अगर हम देखो दो कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पे, क्लासिकली और क्वांटम। क्लासिकल तो कहती है कि हम पोजिशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, हम सर्टेनिटी नहीं है वहां पे क्या होती है, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी जरूर होती है ना। या फिर एक बात बताओ क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि हम जो फेज स्पेस, इसको क्या बोलते हैं फेज स्पेस, मोमेंटम और पोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं फेज स्पेस। तो फेज स्पेस को हम किस में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहती है कि जो हम सेल्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो उस सेल का साइज हम कितना छोटा उतना बना सकते हैं, ठीक है, जितना छोटा चाहे उतना छोटा बना सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है नहीं, हम उसके साइज को अपनी मर्जी से छोटा नहीं कर सकते, उसकी वॉल्यूम की कम से कम कितनी रहेगी, एच तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। आई बात समझ में, मैंने क्या कहा, हम किसकी बात कर रहे हैं, फेज स्पेस। फेज स्पेस क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है पोजिशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस का, ठीक है। बीएससी का टॉपिक है वैसे तो आपका, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हम एक्चुअल दो चीज आती है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स से सॉल्व आउट करें या क्वांटम से। क्लासिकली तो कहती है सर्टेन कि हम निश्चित रूप से ही क्या पोजिशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं नहीं, क्या होती है अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन वहां पे कहीं ना कहीं आ जाता है। तो हमें तो चीजें कैसे सोल्व करनी है क्वांटम मैकेनिकली, क्योंकि अजम्पशन मान के चला था वो कि इंटरेक्शन कैसी है, वीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, पर्टर्बेशन थ्योरी से और किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स से। तो इसका मतलब क्लासिकल तो हम यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो वही चीजें थोड़ी से लिखते हैं इसमें क्या, लेट अस फर्स्ट कंसीडर क्या कंसीडर करते हैं, ए वन डायमेंशनल केस, ठीक है। आई बात समझ गए क्या, ए पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस विद मोमेंटम, जिस उसका जो मोमेंटम है वो क्या है, विद मोमेंटम पी एक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी प्लोट एक्स एंड पी एक्स, एक्स और पी एक्स को प्लोट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड फेज स्पेस, जिसको क्या नाम देते हैं, फेज स्पेस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पोजिशन स्पेस, एक्स क्या है पोजिशन स्पेस और पी क्या है मोमेंटम स्पेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पोजिशन स्पेस एंड फेज एंड मोमेंटम स्पेस इज नोन एज फेज स्पेस, ठीक है। अच्छा, अब हम किसकी बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स कि वी कैन नॉट मेजर, है ना, हम क्या नहीं कर सकते क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कि जो आपकी एक्यूरेसी है कहीं ना कहीं वो क्या नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वी कैन नॉट मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी किसकी वजह से, ड्यू टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन इसकी वजह से, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन के, जो क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच या एच कट भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कहता है कि जो सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स हम क्या कहते हैं, फेज स्पेस में क्या करते हैं उसको, सेल्स में, है ना। तो द वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगी, इज नियरली किसके बराबर होनी चाहिए, एच के बराबर तो होनी ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। आई बात समझ में, एच से कम नहीं हो सकती, ये क्या है उसका स्मॉलेस्ट साइज है। क्लासिकल तो कहती है आप जीरो भी कर सकते हो उसके साइज को, ठीक है। अब अगर मान लो हमारे पास जो वॉल्यूम है, अगर इसके फेस स्पेस की वॉल्यूम कैसे करोगे, फिर पी को मल्टीप्लाई कर दे किससे, एक्स से, है ना, पी इंटू एक्स, वो क्या हो जाएगी वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम कितनी है पी इंटू एक्स। और अगर हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ सेल्स निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, क्या इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं। अच्छा, एक सेल की वॉल्यूम कितनी कहा, एच, क्वांटम मैकेनिक्स का कहती है कितनी होती है एच, टोटल वॉल्यूम कितनी है पी एक्स, पी एक्स को अगर हम एच से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि हमें रो निकालना है, है ना, रो किसके बराबर है डी एन बाई डी ई, मतलब वो रो कब निकलेगा जब हमें एन पता होगा, ठीक है। तो एन कैसे निकाले, तो एन क्या है लिखेंगे फ्रॉम फिगर, यहां से लिख सकते हो, फिगर यही बनानी है, फ्रॉम फिगर क्या,
the maximum number of cells that can occupy the given या क्या that can occupy in volume, कितनी volume में हमारी px, तो n क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम पी एक्स, उसको किससे डिवाइड कर दें x से, ठीक है। अगर h कट में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या कर दें इसको h 2 पाई से डिवाइड कर दें और 2 पाई से क्या कर दें यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा पी एक्स अपॉन है ना नीचे 2 पाई, तो ये तो और ये क्या बन गया h कट बन गया, ठीक है। तो इसको h कट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो क्या आ गया n, ठीक है। n क्या है नंबर ऑफ स्टेट्स इन द वॉल्यूम, कितनी किस वॉल्यूम में पी एक्स वॉल्यूम में, ठीक है। अगली बात समझ में, अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें, देखो पार्टिकल सिंगल पार्टिकल का केस कर रहे हैं लेकिन ये तो वन डायमेंशन एक्स सिर्फ कोऑर्डिनेट लिया, ऐसे वाई भी हो सकता है जेड भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिख सकते हो यहाँ पे एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टेट्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टेट्स इन वॉल्यूम, किस वॉल्यूम में पी एक्स वॉल्यूम, ठीक है। अभी बात समझ में, अब किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं किसके लिए इन थ्री डायमेंशन, इन थ्री डायमेंशन, तो यहाँ पे n की जगह क्या यूज करेंगे हम n1। देखो ये वन जो नोटेशन है ये वन किसके लिए है सिंगल पार्टिकल के लिए, वन किसके लिए है सिंगल पार्टिकल, पार्टिकल सिंगल है लेकिन डायमेंशन कैसी है थ्री डायमेंशन, तो n1 क्या हो जाएगा इसको थ्री डायमेंशन में कर दो, क्या वन अपॉन टू पाई एच कट का क्यूब हो जाएगा है ना थ्री डायमेंशन में, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अगर जो है स्मॉल एलिमेंट लेके चले डीपी एलिमेंट तो डी क्यूब पी और डी क्यूब एक्स ये हो जाएगा है ना डी क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा अब बताओ, अब देखो n1 जो है क्या नहीं है, n1 ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेट या ऐसा कुछ नहीं है, n1 किसके लिए है, n1 का मतलब है ये सिंगल पार्टिकल, केवल एक पार्टिकल सिस्टम को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या मान लेते हैं जो पोजिशन स्पेस है, पोजिशन स्पेस की वॉल्यूम को कितना मान लेते हैं, पोजिशन स्पेस वॉल्यूम क्या है डी क्यूब एक्स, उसको क्या मान लेते हैं यूनिटी, ठीक है। क्या मान लेते हैं इसको यूनिटी मान लेते हैं, तो हमारे पास n1 क्या हो जाएगा वन अपॉन टू पाई एच कट का क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब पी, ठीक है हो गया। आगे बात समझ में, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करेंगे सिर्फ सिंगल पार्टिकल के लिए, क्योंकि देखो हमारे पास बीटा डीके में तीन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी है न्यूट्रिनो भी है और एक एंटी जो है पार्टिकल भी है आपका है ना और डॉटर न्यूक्लियाई भी है, तो हम क्या करेंगे पहले सिर्फ सिंगल पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल के लिए हम क्या निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, तो उसको क्या नाम देंगे रो वन ई, ठीक है। n1 आ गया तो रो 1 ही क्या था डी एन वन बाई क्या हो जाएगा डीई है ना, एनर्जी तो वही रहेगी, तो लिख दो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एच कट का क्यूब है ना, फिर क्या है डी अपॉन डीई हो जाएगा और ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब पी, ठीक है। अगली बात समझ में हो गया, यहां तक रो 1 यही हो जाएगा ना क्योंकि डी एन बाई डीई होता है तो 1 है, तो यहां पे क्या हो गया डी एन 1 बाई डीई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और देखो कैसे डी क्यूब पी, ये जो डी क्यूब पी है ये वैल्यू याद रखना आपकी, ये क्या होती है 4 पाई स्क्वेयर, सॉरी 4 नहीं, इसकी वैल्यू एक मिनट, हाँ ये होती है आपकी पी स्क्वेयर डी पी इंटू डी ओमेगा, ठीक है ये चीज याद रखना। डी थ्री पी की डी क्यू पी की वैल्यू क्या होती है पी स्क्वेयर डी पी इंटू डी ओमेगा, ओमेगा क्या है सॉलिड एंगल, तो अगर रो वन ई की बात करें तो वो हमारी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई एच कट का क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है भाई ये आता है 16 मार्क्स में, ठीक है। डी अपॉन डी ई तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन पी स्क्वेयर डी पी इंटू डी ओमेगा, ठीक है हो गया। डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा आपका सॉलिड एंगल है, ठीक है कोरस्पॉन्डिंग टू एमिटेड पार्टिकल, लिख सकते हो डी ओमेगा इज सॉलिड एंगल, ठीक है। अगली बात समझ में, ठीक है अब हमें कहीं ना कहीं से देखो डी अपॉन डी ई इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है हमें इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, तो आपने एनर्जी का रिलेटिव स्टिक फॉर्मूला पढ़ा था ई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नोट सी की पावर एम नोट स्क्वेयर सी की पावर 4 पढ़ा है। अगर हम यहां से क्या निकालें डी अपॉन डी ई निकालें है ना 2 इंटू डी ई यू करके निकाले, तो अब देखो ये तो क्या है कॉन्स्टेंट है ये तो हट जाएंगे, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसको ऐसे लिख सकते हो ना भाई 2 इंटू ई, ठीक है डी अपॉन डी ई, इसको कैसे लिखोगे 2 इंटू पी है ना और सी स्क्वेयर एज इट इज, ये तो सी स्क्वेयर एज इट इज हाँ, और इसका क्या हो जाएगा डी अपॉन डी पी ऐसे लिख सकते हो और ये प्लस 0 2 से 2 कैंसिल निकाल दो, यहां से डी अपॉन डी ई निकालना है अगर तो क्या हो जाएगा देखो डी अपॉन डी ई की अगर हम बात करें तो इसको नीचे ले जाएं पी सी स्क्वेयर अपॉन
देखो ये हमारे पास क्या होता है, एनर्जी का रिलेशन है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो कैसे करेंगे, 2 into E डी अपॉन, देखो डी अपॉन, अब हमें नहीं पता हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये वेरिएबल हम अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2PC² एज इट इज है ना, और dP अपॉन d, ये भी नहीं पता हम किसके, और ये क्या है कॉन्स्टेंट। तो देखो यहां से कुछ ऐसा निकलेगा आपका, 2 से 2 कैंसिल है ना, तो dE अपॉन d किसके बराबर हो गया, PC² dP अपॉन d है ना। और यदि अगर यहां से dE अपॉन d किसके बराबर हो गया, PC² अपॉन e dP अपॉन p, हमें क्या चाहिए, d अपॉन dE चाहिए। तो रेसिप्रोकल ले लो, d अपॉन dE क्या हो जाएगा, e अपॉन p² c या PC², और यहां पे क्या हो जाएगा आपका p अपॉन, सॉरी ये d था ना, क्या था, d अपॉन d, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, e अपॉन आपका PC² d अपॉन dP, ठीक है, हो गया। हाँ अब सही है, हमें क्या रखनी, यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो तो रो वन ई किसके बराबर हो जाएगा, 1/2πh³³, हो गया। अब किसकी वैल्यू रखनी है, डी अपॉन डीई की वैल्यू, डी अपॉन डीई की वैल्यू क्या है, देखो ई अपॉन PC², फिर क्या है, इंटीग्रेशन P² dP और dω, ऐसा ही है ना। सिर्फ ये वेरी जो इंटीग्रेशन ये किसका है, सॉलिड एंगल का, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/2πh³³, एक पी से पी कैंसिल, तो ई अपॉन ep अपॉन c², ठीक है, हो गया ना, ऐसे लिख सकते हो ना, ये p बाहर आ जाएगा और ये हो गया c², और इंटीग्रेशन किसका है आपका, dω का, इंटीग्रेशन ऑफ dω, ठीक है, हो गया, हो गया ना, क्योंकि इसके साथ देखो वो भी तो आएगा, dp अपॉन क्या आएगा, d अपॉन dp है ना, वो इंटीग्रेशन इसका तो कैंसिल हो जाएगा मोमेंटम का, सिर्फ किसका बचेगा आपका, सॉलिड एंगल का, ठीक है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, रोवन ई की, एनर्जी डेंसिटी सिंगल पार्टिकल के लिए, ठीक है, आ गई बात समझ में, हो गया यहां तक का। अब ये जो आपका फैक्टर है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dω, इसकी वैल्यू जनरली होती है आपकी 4π, ठीक है, ये और रख दो बस, रो वन ये हमारा क्या हो गया, 1/2πh³³ ep/c² (4π), तो सोल्व करने पे क्या आया हमारे पास, 1/2 हो जाएगा, एक था 2 बच जाएगा, पाई स्क्वेयर बचेगा, h कट का क्यूब बचेगा, pe/c², तो ये क्या आ गई, रो वन इंटू ई, सिंगल पार्टिकल के लिए आ गई, मतलब हमारा आधा काम यहां तक हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमें तो फिर और पार्टिकल, क्योंकि हमारे पास सिंगल पार्टिकल थोड़ी ना है, हमारे पास तो कुछ ज्यादा चीजें हैं, ठीक है, उन चीजों को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है काफी, 16 नंबर का भी आता है यहाँ से और 4 नंबर का भी, ठीक है, यहाँ तक का आप कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इस टॉपिक को करेंगे, ठीक है।